हेलो, मेरा नाम काजल शर्मा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरा SBI PU 2021 में सिलेक्शन हुआ है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं 12 टू 15 मंथ से अपने प्रिपरेशन कर रही थी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया है। एग्ज़ाम के क्लियर होने के पीछे सबसे बड़ा जो रोल था वो इंग्लिश और GA का था। इंग्लिश में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी रखी जो थी वो ये थी कि मैं डेली अपना द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी और मैंने सबसे पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम ये क्लियर किए थे एंड देन मैं उसको अप्लाई करती थी न्यूज़पेपर रीड करके कि मेरे ग्रामर के रूल्स सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और डेली मैं एरर की क्लास देखती थी निमिषा मैम की एंड परफेक्शन की क्लास देखती थी। परफेक्शन की क्लास मेरी स्किप हो जाती थी जनरली, बट ऑल्टरनेट डे बेसिस पे मैं परफेक्शन की क्लास को अटेंड करती थी एंड एडिटोरियल की क्लास मैं अलग लेती थी। तो इंग्लिश का मैं ऐसे प्रिपेयर करती थी एंड GA का तो मैं वीकली PDF प्रिपेयर करती थी। तो इंग्लिश और GA की मैंने तैयारी ऐसी की थी, बाकी मैथ्स एंड रीजनिंग का मैं अपना सेल्फ स्टडी करती थी, यूट्यूब की वीडियोस देख के एंड अपना सेल्फ प्रिपेयर किया था। तो ऐसे मैंने अपनी होल जर्नी को रेडी किया था और उससे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। मैं एकदम परसिवरेंस के साथ प्रिपेयर कर रही थी, बिल्कुल पेशेंस के साथ। निमिषा मैम का बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर, बिकॉज एरर की क्लास और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की क्लास मेरे हिसाब से सबको करनी चाहिए, बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की आपने कि मैं अपनी जो जो मुझे जिन जिन चीज़ों से मुझे बेनिफिट मिला है वो मैं आगे तक पहुँचा पाऊँ और आगे भी एस्पिरेंट्स जो हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो कर ले और अपनी स्ट्रैटेजी खुद से प्रिपेयर करके जो उनका ड्रीम है उसको पूरा कर सकें। थैंक यू।